हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल सबके सब पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने अभी थंबनेल पे देखा होगा और अभी इस इमेजेस को भी देखकर समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताने वाला हूँ आज के इस ट्यूटोरियल में। तो ये आप किसी भी एक इमेज को आप अगर देखें तो इनके आँखों में रेड लाइट का असर है, रेटिना पे रेड लाइट का असर है। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्यों होता है और इसे फोटोशॉप में कैसे ठीक किया जा सकता है, मैं बता दूं कि जब भी आप फोटोग्राफी करते हैं, फोटोग्राफी करने के टाइम आप देखते हैं कि जब लाइट का कहीं ना कहीं इफेक्ट थोड़ा कम हो जाता है, या फिर अगर आप नाइट में फोटोग्राफी कर रहे हैं और रेटिना पर लाइट का असर कम है, उस कंडीशन में आंखों पे एक रेड कलर आ जाता है और जिसे हम लोग कहते हैं रेड आई। जब इस तरह का कंडीशन हो तो फोटोग्राफी अगर आपकी अच्छी भी हुई हो तो आपके अच्छे फोटोग्राफी को भी इस वजह से खराब कर दिया जाता है और वो खराब लिस्ट में चला जाता है। अगर वैसा हो तो उन इमेजेस को कैसे एडिट करना चाहिए, इसी क्वेश्चन को कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा है और बार बार इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो अगर आप जान भी रहे हैं तो थोड़ा सा आप देख करके समझ सकते हैं कि इसका क्या ट्रिक है, फोटोशॉप में कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आइए फोटोशॉप पे चलते हैं और यहां पर जैसे ये एक इमेज है, एक इमेज ये है और एक इमेज ये है, इन सभी इमेजेस को आप देख कर समझ जाएंगे कि इस तरह का जब भी कोई असर होता है आंखों पर और रेड आई हो जाता है, उस तरह के असर को कैसे हम लोग हटा सकते हैं फोटोशॉप में। फ्रेंड्स, फोटोशॉप में एक टूल है जिसका नाम ही है रेड आई। फोटोशॉप टूल बार में अब जब यहां पे क्लिक करके देखेंगे तो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, हीलिंग ब्रश टूल, पैच टूल, कंटेंट अवेयर टूल, इसके जस्ट लास्ट में रेड आई टूल है। इसका काम ही यही है कि किसी भी फोटोग्राफी में अगर इस तरह का कुछ इफेक्ट हो गया है तो आप उसे आसानी से हटा सकते हैं। जैसे इसको हटाने का तरीका यह है कि आप इस रेड आई टूल को सिलेक्ट करें और नॉर्मली जहां पर रेड का इफेक्ट है वहां पर जाकर सिर्फ एक बार क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करेंगे ये रेड आई हट जाएगा। जैसे मैंने एक बार क्लिक किया, अब देखिए ये आसानी से हट गया है। इस पर क्लिक करूंगा, ये भी ऐसे ही हट जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह का अगर कुछ फोटोग्राफी आपके पास आ जाए तो आप आसानी से ऐसे एडिट कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग आप जान रहे होंगे इस टूल को, क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्लासेज में तो बता ही चुका हूं मैं, लेकिन अगर आप लोगों को शायद किसी को कोई बिगनर्स होने नहीं मालूम होगा तो वो इस तरीके से एडिट कर सकते हैं अपने फोटोग्राफी को। हाँ, ये कभी कभी दिक्कत हो सकती है कि जैसे मैंने एक बार क्लिक किया ये हट गया, लेकिन कभी ये भी दिक्कत हो सकती है कि आप एक बार क्लिक करें और पूरे रेड जितने भी असर हैं उन सभी रेड का असर खत्म हो जाए। ऐसा ना हो तो क्या करना चाहिए? फ्रेंड्स, अगर ऐसा ना हो तो दो बार या तीन बार क्लिक करके आप हटा सकते हैं। जैसे मैंने एक बार क्लिक किया तो पूरा नहीं हटा, यहां से दोबारा क्लिक करूंगा तो शायद पूरा नहीं हटेगा, तीसरी बार करूंगा तो भी पूरा नहीं हटेगा। अगर इस तरह का कंडीशन है तो आप तीन चार बार करके आसानी से ऐसे करके आप हटा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस इमेज पे आता हूं तो यहां पर भी आपको समझ में आ जाएगा, यहां तो शायद एक बार में हट जाना चाहिए। जूम करके मैं दिखाता हूं, थोड़ा सा जूम कर लिया, उसके बाद रेड आई यहाँ से लिए, क्लिक किया और जहाँ पर सबसे ज़्यादा रेड है वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे पूरी तरीके से ये हट गया है। तो फ्रेंड्स, कोई भी इस तरह का अगर इफेक्ट हो तो आप आसानी से हटा सकते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में अभी मैं बताने वाला हूँ, इसके जस्ट बाद अभी शायद हो सकता है कि मैं कुछ ही टाइम पर उसको भी अपलोड कर दूँ, वो ये होगा कि क्रॉप टूल में किसी भी इमेज को कैसे स्ट्रेट किया जा सकता है। अगर कोई टेढ़ी इमेज फोटोग्राफी हो गई है उसे कैसे सीधा करना चाहिए और उसमें कंटेंट अवेयर फिल भी कैसे करना चाहिए, इसको भी मैं अभी कवर करने वाला हूं। तो इस वीडियो के बाद उसका थोड़ा सा आप वेट कर लें, कोशिश करूंगा कि एक दो घंटे के अंदर अंदर उसको भी मैं अपलोड कर दूं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद मैं और भी चीजों को कवर करता रहूंगा, अभी टाइपोग्राफी के बारे में भी बहुत कुछ बताना बाकी है। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ आप जुड़े रहें। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और रेड आप सिर्फ ये नहीं कि सब्सक्राइब करके छोड़ दें, उसके जस्ट बगल में जो बेल बटन है उसे भी आप ऑन कर लें ताकि मेरे आने वाले ट्यूटोरियल्स का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।